हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं हूँ वीसी और आप देख रहे हैं बॉर्न टू इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एक शेयर देखेंगे जो आपको लॉन्ग टर्म में मालामाल करने वाला बैंक है। अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया तो आपको एक लॉन्ग टर्म में बड़ा अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन सही वैल्यू पे लो तब। चलिए देखते कौन सा है शेयर है, कैसे इसके फंडामेंटल है, कैसे इसके टेक्निकल है। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियो हर रोज हर दिन लेते आते। और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, जिसको आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो पहले हम इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं, बाद में रिजल्ट देखेंगे, बाद में टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो जब मैं पहले देख रहा हूं तो मेरे को प्रमोटर के पास एक भी होल्डिंग नहीं दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं। बाद में हम FIS की देखते हैं तो FIS के पास 34.95% की होल्डिंग रखी हुई है, जो कि एक अच्छी क्वांटिटी है। बाद में म्यूचुअल फंड को देखें तो म्यूचुअल फंड में 24.33% की होल्डिंग अपने पास रखी हुई है, जो भी एक अच्छी क्वांटिटी है। इन सिंपल, आप प्रमोटर के पास नहीं है तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन FIS एंड म्यूचुअल फंड ने एक अच्छा होल्डिंग रखी है। बाद में हम प्लेज प्रमोटर होल्डिंग देखते हैं तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, क्योंकि प्रमोटर के पास होल्डिंग ही नहीं है तो प्लेज प्रमोटर होल्डिंग की कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। तो ये तो हो गई शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब हम इसके फाइनेंशियल देखते हैं। अब हम आ चुके इस कंपनी के फाइनेंशियल के ऊपर। पहले हम क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट देखेंगे, बाद में हम ईयर टू ईयर भी रिजल्ट देखेंगे। तो क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट में मेरे को दिख रहा है कि इंटरेस्ट अर्न, मतलब बैंक है तो इंटरेस्ट अर्न आता है, जिसमें 17.70% की एक अपसाइड मेरे को दिखाई दे रही है, जो कि एक अच्छी बात है। बाद में हम ग्रोस एनपीए देख लेते तो ग्रोस एनपीए में भी 0.04% की हमें डाउनसाइड देखने को मिले, जो भी एक अच्छी बात है। बाद में हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में नेट प्रॉफिट आपको 56.63% की एक अपसाइड दिखाई दे रही है, जो भी एक अच्छी बात है। ये हो गई क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट। अब हम इसके ईयर टू ईयर रिजल्ट देखते हैं। अब हम आ चुके हैं ईयर टू ईयर क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर। तो यहाँ देखते हैं क्या होता है। तो इधर हम देख रहे हैं तो इंटरेस्ट अर्न आपको दिखाई दे रहा है, 0.77% की एक अपसाइड दिखाई दे रही, जो कि एक अच्छी बात है। बाद में ग्रोस एनपीए भी देखते हैं तो ग्रोस एनपीए में 0.08% की अपसाइड दिखाई दे रही है, जो भी एक अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये इतनी ज्यादा भी अपसाइड नहीं है जो आपको दिक्कत दे सके। बाद में हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो जिसमें 8.46% की अपसाइड दिखाई देने वाली है, जो भी एक अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। इन सिंपल हम फाइनेंशियल देखें तो इस बैंक के हमें फाइनेंशियल अच्छे लग रहे हैं। अब हम टेक्निकल देखते हैं, कहाँ पे हमें लेना चाहिए, किस रेट पे अगर लेंगे हम तो हमें अच्छा प्रॉफिट होगा इन लॉन्ग टर्म, और हाल फिलहाल आप ले सकते हो या नहीं वो भी हम वहाँ डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस की ओर। अब हम आ चुके इस बैंक के चार्ट के ऊपर। तो पहले बात कर लेते हैं कौन सा शेयर है। हम बात कर रहे थे फेडरल बैंक के बारे में। अब हम इस बैंक के टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं, कहाँ हमें एंट्री लेनी चाहिए, अगर कहाँ हम एंट्री ले तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा वो सब। तो अगर मैं देख रहा हूं तो हाल की प्राइस 8890 है, मतलब एक अच्छी खासी प्राइस पे मिल रहा है आपको, 100 के अंदर मिल रहा है। लेकिन हम अभी इधर देखें तो आपको ये ट्रेंड लाइन से थोड़ा ऊपर देखने को मिल रहा है, तो मेरी ओर से थोड़ा वेट कर लीजिए। अगर आपको ये ट्रेंड लाइन के पास मिल जाए तो आप इसको ले सकते हैं। जो ट्रेंड लाइन होगी शायद 80 के आसपास आएगी, 80 के आसपास आएगी। अगर ये आपको क्या है कि इधर से ही अपसाइड देखने को मिल जाते हैं तो आप इधर से भी ले सकते हो, इधर भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप इधर से भी लोगे लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको कोई प्रॉब्लम वैसे देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन आप थोड़ा वेट करते हो और 80 के आसपास आपको रिवर्सल देखने को मिल जाता है तो आप इधर से भी ले सकते हो। हाल फिलहाल देख रहे हो तो आपको एक क्या है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन कौन कौन सी है वो देखना पड़ेगा, उसके पास क्या हो रहा है वो देखना पड़ेगा, तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। हाल फिलहाल देखो ये अपनी क्या है कि राइजिंग रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करके ऊपर निकल चुका है, तो ये एक अच्छी बात होती है। लेकिन हम देखें तो इसमें एक W पैटर्न भी बन रहा है। अगर ये W पैटर्न बना के 100 प्राइस के ऊपर सस्टेन करने लगा तो ये आपको एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन जो मेन बात है, 100 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाना चाहिए। अगर उसको ब्रेक करके ऊपर निकल गया तो बाद में आपको अच्छी खासी उछाल देखने को मिल सकती है। अगर ये आपको 100 के लेवल से नीचे आ गया, बाद में हम नीचे का लेवल का वेट करेंगे, लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिन में ये आपको ये 100 का लेवल पार करता हुआ दिखे, क्योंकि बैंक के फाइनेंशियल अच्छे हैं, बैंक के फंडामेंटल अच्छे हैं, तो हो सकता है ये आपको 100 का लेवल पार करते हुए दिखे। जब मार्केट एक क्या है कि पीक पकड़ ले तो ये शेयर भी आपको एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिल सकता है। तो हाल फिलहाल आप ले सकते हो, लेकिन मेरी तरफ से आप अगर वेट कर लोगे थोड़ा सा 80 के लेवल के आसपास अगर आपको मिलता है तब ले सकते हो। अगर मान लेते हो कि इधर से आपने नहीं लिया, वेट कर रहे हैं आपको ऊपर, जब ये 100 के लेवल ऊपर सस्टेन करने को मिले तब भी आप ले सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको 2-3 रुपये या 10-12 रुपये महंगा मिल गया,
नहीं इतना ज्यादा महंगा नहीं है ये, अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो, जिसको ये 5-6 ईयर ले जाना है उसके लिए अगर आप क्या है कि 10-12 रुपए ऊपर नीचे लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। 10-12 रुपए ही बोल रहा हूँ, उससे ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप इधर से भी लेते हो तो भी अच्छा है, 80 पे लेते हो तो बहुत अच्छा है। अगर ये 100 के ऊपर निकल गया बाद में आप क्या है कि सेफ साइड रहने के लिए अगर उसके ऊपर लेते हो तो और भी अच्छा है। तो ये तो होगा लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन आप अगर इसमें स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो तो उसके लिए भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है। आप इधर वेट करो, जब ये नीचे आए 80 के लेवल के आसपास से आपको रिवर्सल देखने को मिले तब आप इसे बाय करके 100 के लेवल तक ले जा सकते हो। बाद में अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट कीजिए। अगर 100 का लेवल ब्रेक करके ऊपर जाता है तो आपको 110 का लेवल देखने को मिल सकता है इसमें। तो ये हो गई आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए। अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो हाल फिलहाल मेरा जो रेजिस्टेंस होगा वो 100 का लेवल होगा। अगर ये आपको ये राइजिंग रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करके ऊपर जाता हुआ दिखे तो आप इसमें नो डाउट एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन देखना पड़ेगा आपको वहां कैसे मूवमेंट देता है, एक सडनली पीक लेके ब्रेक करता है या आपको धीमे धीमे पीक लेके ब्रेक करता है, वो आपको सब देखना पड़ेगा। आपको मार्केट को समझना पड़ेगा तभी आप स्विंग ट्रेडिंग में इसमें ट्रेड ले सकते हो। तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको ये अभी तक अच्छी वैल्यू पे मिल रहा है, आप इसे ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा बैंक है। लेकिन हो सके तो थोड़ा वेट कर लीजिए हाल पे, क्योंकि GDP का डेटा आ गया है तो वो भी इस पे इफेक्ट करके आपको 80 के लेवल के आसपास मिल जाए। शायद अगर इसके लेवल के आसपास रिवर्सल देके ऊपर जाता है तब भी बाय कीजिए, अगर हो सकता है इसके लेवल के नीचे भी मिले आपको तो वेट करना है, आपको बहुत सारी इसमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हाल फिलहाल अभी की प्राइस पे भी आप खरीद सकते हो, लेकिन वेट करोगे उतना अच्छा रहेगा। या तो 80 का लेवल के आसपास बाय करो या तो 100 का लेवल जो है उसको ब्रेक होने पे बाय करो, दोनों में से कोई भी एक करते हो तो आपको लिए अच्छा रहेगा। हाल फिलहाल के लिए भी अच्छा है, लेकिन वो दोनों सबसे बेहतर ऑप्शन है। तो ये हो गया हमारी ओर से फेडरल बैंक पे एक फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस। अगर ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यारो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। आप लाइक कमेंट करोगे तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम ऐसे वीडियो आगे लेके आएंगे। सो प्लीज यारो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। और हम क्या है कि इंडिकेटर पे एक सीरीज बना रहे, बाद में उसमें स्ट्रेटेजी ऐड करेंगे और अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो हम उसमें प्राइस एक्शन भी ऐड करने वाले। तो अगर आपको कुछ लर्निंग करनी है, कुछ जानना है, कुछ सीखना है तो सिंपल सा तरीका, आप हमारी इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, जय हिंद।